आज हमारी क्लास ASDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सर्जरी, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फायरिंग या दागना। ठीक है, तो देखते हैं पहले फायरिंग क्या होता है। तो फायरिंग के बारे में देखेंगे, फिर फायरिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो क्रम वाइज देखते जाएंगे। तो पहले देखते हैं फायरिंग। फायरिंग किसे कहते हैं? किसी लोहे की गर्म छड़ से त्वचा को पूर्ण गहराई तक जलाने को फायरिंग कहते हैं। फिर फायरिंग इरोन क्या होता है? फायरिंग उपकरण साधारणतः लोहे की धातु का होता है, जिसे फायरिंग इरोन कहते हैं। तो फायरिंग इरोन एक लकड़ी के हत्थे या हैंडल से जुड़ा होता है, ताकि गर्म फायरिंग इरोन पकड़ते समय हाथ जले नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जब फायरिंग इरोन को गैस पर अथवा कोयले पर या अन्य लोहे पर गर्म करते हैं तो हल्का लाल रंग का हो जाता है, तो ये स्थिति फायरिंग हेतु उपयुक्त होती है। ठीक है, यदि गर्म करेंगे तो वे सफ़ेद रंग का हो जाएगा, तो क्या है कि फायरिंग के लिए ये स्थिति सही नहीं है। ठीक है, तो हल्का लाल रंग का हो तो ये क्या है कि फायरिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है, तथा जब सफ़ेद रहेगा तो ये फायरिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फायरिंग के प्रकार, टाइप ऑफ फायरिंग। तो फायरिंग के निम्न प्रकार होते हैं: सुपरफिशियल लाइन फायरिंग, पॉइंट फायरिंग, बट पॉइंट फायरिंग, पॉइंट फायरिंग और नीडल पॉइंट फायरिंग। नेक्स्ट है चार नंबर पॉइंट, मिक्स्ड फायरिंग, जिसे मिश्रित फायरिंग भी कहते हैं। अब ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फायरिंग किसे कहते हैं? तथा फायरिंग के प्रकार लिखिए। टिप्पणी में इसे इस प्रकार भी आ सकता है, या परिभाषा में इस प्रकार भी आ सकता है कि फायरिंग किसे कहते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, फायरिंग किसे कहते हैं, सुपरफिशियल लाइन फायरिंग को समझाइए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से फायरिंग में क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं विधि, फायरिंग करने की विधि। किस प्रकार फायरिंग करेंगे? तो पशु को अच्छी फायरिंग के लिए गिराकर भली भांति नियंत्रित कर लेना चाहिए। तो पशु को पहले गिराकर अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर फायरिंग करने जा रहे हो, जिस स्थान पर फायरिंग करने जा रहे हो, उस स्थान पर स्थानीय या क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निश्चेतक लगा देना चाहिए, ताकि फायरिंग के समय पशु को दर्द महसूस नहीं हो। ठीक है, तथा फिर जो हमने ये फायरिंग के प्रकार पढ़े, उनमें से किसी एक फायरिंग का चयन कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम अपने एक नंबर, जो फायरिंग के प्रकार होते हैं उनमें से एक नंबर सुपरफिशियल लाइन फायरिंग के बारे में देखते हैं। ये इस प्रकार का उपकरण होता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्या है कि जो हैंडल होता है वो पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। हत्था होता है क्या कि जब इसको गर्म करेंगे तो ये अपना हाथ नहीं जल पाए। फिर देखते हैं कि इसके बारे में, इसमें क्या है कि जो इसका सिरा होता है, इस पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, जो डायग्राम में दिखाई दे रही है आपको। छः सात प्रकार की इस प्रकार की रेखाएं होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिर भारी मोटा, उत्तक इसकी चमड़ी या त्वचा आदि कठिन है। इसका सर क्या है कि मोटा होता है तथा भारी होता है, जिसे क्या रगड़ते हैं तो चमड़ी कटे नहीं, अथवा ऊपर से मोटा नीचे से मोटा तथा पतला होता है। ठीक है, जब फायरिंग इरोन हल्का लाल रंग का हो जावे तो जहाँ फायरिंग करना है उस स्थान पर एक रेखा के रूप में ही रगड़े, एक रेखा के रूप में या एक लाइन पर ही रगड़े,
और ये रेखा न तो ज़्यादा दूर हो और न ही ज़्यादा नज़दीक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक रेखा से दूसरे रेखा की दूरी 1/2 इंच से 3/4 इंच की होनी चाहिए तथा रेखा को एक दूसरे से आपस में जोड़े नहीं। ठीक है, अब ठीक है, जो ये रेखा होती है, इन रेखा की गहराई के लिए तीन तरीके अपनाएंगे, अलग अलग हैं, तो देखेंगे रेखा की गहराई के लिए तीन तरीके अपनाए। तो पहली है, पहली बार गरम फायरिंग इरोन को एक रेखा पर लगाएं, जिसे लाइट फायरिंग कहते हैं। इसे लगाने पर जली हुई त्वचा का रंग पीले भूरे रंग का हो जाता है, जिसे फर्स्ट डिग्री फायरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, दोबारा गर्म करके या दूसरी बार गर्म करके उसी स्थान पर पुनः लगाएं, ताकि इस बार त्वचा कुछ गहराई तक जल जाएगी तथा जली हुई त्वचा का रंग सोने जैसा या पीले रंग का हो जाएगा तथा पानी जैसा पदार्थ जली हुई चमड़ी से निकलेगा, और इस द्रव्य को एक्जुकेट कहते हैं और इसे सेकेंड डिग्री फायरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी बार गर्म फायरिंग इरोन को पुनः तीसरी बार उसी रेखा पर लगावे। इस बार इस गर्म फायरिंग इरोन को फिर इरोन से रेखा की और त्वचा अपनी पूर्ण गहराई तक जल जाएगी, और जली हुई त्वचा पर त्वचा का रंग भूसा या चारे जैसा रंग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, चमड़ी से सीरम स्राव अधिक मात्रा में निकलेगा, जिसे थर्ड डिग्री फायरिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपना दो नंबर प्रकार है, बर्ड फायरिंग। तो बर्ड फायरिंग इस प्रकार का होता है, देख लिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की फायरिंग के लिए हॉट फायरिंग इरोन का सिर लट्टू जैसा होता है तथा नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब अगली क्लास में हम पिन पॉइंट फायरिंग के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।